जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाली लाइब्रेरियन कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि हमने बोर्ड मास के रूल्स सीखे पिछली 3 क्लासों में और 1 क्लास में हमने प्रैक्टिस सेशन लिया, आज हम थोड़ा सा कंपटीशन लेवल की बात कर लेते हैं कि कंपटीशन लेवल में कैसे सवाल आते हैं। जैसे कि अभी आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम आने वाले हैं, उसमें आल कोई सा भी ले लो, आप ट्रेड ले लो, आप टेक्निकल ले लो, कोई सी भी फील्ड में ले लो, यहाँ पे से आपको 1 या 2 सवाल आपको मिनिमम देखने को मिलेंगे। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में, इसी से रिलेटेड जो उसमें टाइप आता है, सरलीकरण के रूप में वहाँ पे इसको बोला जाता है, क्योंकि सरलीकरण में रूट करनी वगैरह सब चीज़ उसमें कॉमन दे देते हैं, पर उसमें ये चीज़ भी आती है। तो हम बोर्ड मास का इसी को कंटिन्यू करते हुए बोर्ड मास के जो जो टाइप के जो जो क्वेश्चन बन सकते हैं आपके एग्जाम में, उसके बारे में हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो आइए हम एग्ज़ाम लेवल के ही क्वेश्चन आज लेंगे। तो देखिए कौन कौन से सवाल क्वेश्चंस वहाँ पे बन सकते हैं आपको। जैसे कि हम सॉल्व करते हैं यहाँ पे नॉर्मल सा, सबसे पहले हमने क्वेश्चन उठाया 8 भागित 8, 8 प्लस 8, 8 भागित 8 इंटू 8 प्लस 8, ये मार्कर में इंक डाल देना है। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, जैसे कि आपके पास में ये सवाल आ गया नॉर्मल, है ना, जब ये वाला सवाल आ जाता है, जब ये सवाल आ जाता है तो इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपने देखा क्या क्या है इस सवाल में, तो मल्टीप्लाई है, भाग है, एडिशन है, और एक ये बटे वाला भाग भी है। यदि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखिए बोर्ड मास का रूल हम सीख के आए हैं। बोर्ड मास क्या बोलता है, माइनस प्लस सबसे लास्ट में, पहले ब्रैकेट वगैरह है नहीं, डिवाइड और मल्टीप्लाई दिख रहा है, तो इस डिवाइड से पहले क्या सॉल्व होगा, सॉरी इस मल्टीप्लाई से पहले क्या सॉल्व होता है दोस्तों, भागित सॉल्व होता है। तो हम पहले इस भाग को सॉल्व कर लेते हैं। तो 8 मैंने भाग को सॉल्व करना बताया था, भाग के बाद वाले अंकों को आप क्या कर लेंगे, पलट लेंगे, इसके बटे में कुछ नहीं रहता है, मतलब कि 1 लगा रहता है। तो हमने इसको आसानी से पलट लिया और फिर वापस से जो अपना सिस्टम था पूरा सेम टू सेम इसको लिख लिया। अब देखो यहाँ भी आपको भाग और गुणा दिख रहे हैं, तो यहाँ पे भी क्या पहले सोल्व होगा, भाग, और यहाँ पे भी इसके बटे में एक है, तो इसको भी पलट लो दोस्तों, 1/8 × 8 + 8 सेम टू सेम रहने दो। अपन ने इस स्टेप में ओनली कितना किया है दोस्तों, ओनली पलटने की कोशिश की है। देखना ये चेयर हिलेगी तो ये पूरा ब्लर होता है, इसको मत हिलाना ज़्यादा, है ना। देखिए यहाँ पे हो गया 8 से 8 चला गया, कितना बचा दोस्तों 1, यहाँ भी 8 से 8 चला जाएगा, यहाँ भी 1 बचेगा, यहाँ से तो 1 बचा अपने पास में, मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ से 8 हो जाएगा, 8 × 2 = 16, बटे यहाँ से ये कट गया ना, यहाँ पे बचा 1, अब इंटू 8 + 8। अब इसको अपन ने सोल्व किया 1 × 16, अब 8 × 8 + 8, ये मल्टीप्लाई में चल रहा है, तो 1 का गुणा किसी भी संख्या में करते हैं दोस्तों तो वही आती है। तो आप इसमें अपन ने मान लो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी ये वाली संख्या निकल के आ गई। यहाँ हमने किया 16, नीचे क्या आ गया 16, तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर अपने पास में क्या आ जाएगा दोस्तों, 16। तो हमने इस जो नॉर्मल से सवाल में आपको क्या क्या दिखा था, देखो कन्फ्यूजन यहाँ होता है कि इस भाग को कैसे सोल्व करेंगे, इस भाग को कैसे सोल्व करेंगे, तो हमने कन्फ्यूजन पूरा ही दूर कर दिया। यदि आपको मल्टीप्लाई करना आता है, मतलब आप इस भाग को आसानी से सोल्व कर सकते हैं, आपको करना इतना ही है कि ये जो भाग के बाद वाला अंक रहता है इसके बटे में 1 लगा रहता है हमेशा, या फिर फ्रैक्शन में भी आए तो उस फ्रैक्शन को आप पलट लेंगे, मतलब उस भिन्न को आप पलट लेंगे। यहाँ पे 8/1 था, अपन ने इसको पलट दिया, 1/8 हो गया, यहाँ भी सेम वही किया अपन ने, 8/1 था, भाग के बाद वाला ही अंक पलटता है और जो सेम है उसको अपन ने सेम लिख दिया। तो यहाँ पे अपन ने जिस प्रकार से इसको सोल्व किया, उसके बाद में अपना दोस्तों पूरा सोल्व करने के बाद आंसर क्या निकल के आ गया, 1। चलिए दोस्तों ये सवाल आपको समझ में आया होगा, अब अगले सवाल की अपन चर्चा करते हैं। तो इसका तो आंसर हो गया दोस्तों कितना, 1 हो गया। अगला सवाल है, देखिए नॉर्मल सा सवाल, ऐसा भी कभी कभी आपसे पूछा जाता है कि 125 / 5 / 5 × 5, इसमें क्या आएगा। तो देखिए दोस्तों इसमें क्या आएगा, यहाँ पे जब मैं इसको सोल्व करने जाता हूँ, तो अब यहाँ पे ये वाली कंडीशन भी बहुत से लोगों को प्रॉब्लम करती है कि भाई 2 बार भाग आ गया तो कैसे करेंगे।
तो नॉर्मल सा जो मैंने एक ही सिद्धांत रखा है शुरू से अभी तक कि इनके बटे में क्या रहता है वन और इनके बटे में भी क्या रहता है दोस्तों वन, तो हमको करना क्या है सिंपली के भाग के बाद वाला अंक को पलट देते हैं। तो इसको इनटू में बना लिया, एक बटे पाँच हो गया, इसको भी सेम, ये भी भाग के बाद है तो इसको भी हमने एक बटे पाँच लिख लिया। बस इतना ही आपको करना है, मतलब कभी भी किसी भी संख्या के पहले यदि भाग लगाए तो उसके बाद में भाग के बाद वाली अंक को आपको पलट देना है। यदि फ्रैक्शन में आया तो जैसे कि मान लो दो बटे तीन आया तो यहाँ पे भाग लगाए तो आप उसको क्या कर लोगे इंटू तीन बटा दो, ऐसे आप उसको चेंज कर लोगे। अब यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में हो क्या रहा है, यहाँ इंटू कर दिया पाँच, यहाँ से भाग दे देंगे तो ये कितनी बार में कट गया 25 बार में, फिर यहाँ से पाँच से पाँच चला गया दोस्तों। अब नीचे कुछ नहीं बचा, ऊपर वाले का इंटू ऊपर वाले में होता है और नीचे वाले का नीचे वाले में, क्योंकि नीचे कुछ नहीं बचा तो अपना आंसर कितना आने वाला है दोस्तों 25। तो इस सवाल का आंसर क्या आ गया दोस्तों 25। अगला हम एग्जाम पैटर्न के हिसाब से तीसरा क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा क्योंकि अपन ने अभी क्या सीखा, दो बार भाग आ गया उसको भी आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला अपन क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, यदि डेसिबल यदि पॉइंट वगैरह आता है तो बहुत से लोगों को पॉइंट भी सॉल्व करने में प्रॉब्लम आती है। तो देखिए नॉर्मल सा एक सवाल आता है जैसे कि जो कि आर्मी जीडी वगैरह जो भी छात्र जिनका आर्मी जीडी वगैरह से है उनको प्रॉब्लम आती है। तो ये अपन थोड़ा डेसिबल का भी बात कर लेते हैं। यदि दो फ्रैक्शन आ गए और आपके पास में डेसिबल वाला आ गया तो आप क्या करोगे, देखिए ये तो ऐसे ही लिखना है, इसके बाद में हमने बोला था भाग के बाद वाला संख्या पलट देंगे तो ये भाग के बाद वाला संख्या पलट दी, फिर भाग के बाद वाला संख्या पलटना है तो भाग के बाद वाला क्या है आपके पास में 0.5, तो इसको 1/0.5 आप कर दीजिए। यहाँ से डेसिबल हटाते हैं तो क्या बढ़ा देते हैं ऊपर 0, वो हमने कर दिया, डेसिबल हटाया और ऊपर 0 लगा दिया। अब 5 दूने कितने हो गए 10, अब यहाँ पे ये क्या 9 से कटता है, तो दोस्तों 9 का जो विभाजिता का नियम बोलता है कि ये जो संख्या है क्योंकि इसको अपने को 9 से काटना है तो इस संख्या के सारे अंकों का योग कितना होना चाहिए 9 के पहाड़े में आना चाहिए। तो देखो यहाँ पे हो गए 14, 6 और 8 14 और प्लस 4 कितने हो गए दोस्तों 18 हो गए, कितने हो गए 18, जो कि 9 से डिविजिबल होता है, मतलब कि ये जो संख्या है आपकी 9 से कट जाएगी। देखिए अब इसको हम 9 से काट देते हैं आराम से, कितना हो गया 9×6 54 9×7 63, बचा कितना 5, फिर 9×54 76 इंटू क्या आ गया दोस्तों 2, बटे में कुछ नहीं था, यहाँ पे क्या देखो सब कट गया एक बार में, ये भी एक बार में गया था, तो एक एकम एक नीचे वाले का इंटू नीचे होता है और ऊपर वाले का इंटू दोस्तों ऊपर होता है। तो यहाँ पे अपना आंसर सिंपली क्या निकल के जाएगा दोस्तों 152 अपना यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ कि डेसिबल हटाना आपको आया होगा, वरना अभी भी नहीं आया हुआ डेसिबल हटाना। तो देखो दोस्तों हम डेसिबल की थोड़ी सी बात कर लेते हैं, डेसिबल कभी भी आपको हटाना है, जैसे कि मान लो आपका 0.05 है और मल्टीप्लाई में 0.1 है, तो दोस्तों डेसिबल अब ऐसा ये वाला अपन इनटू कैसे करें, ये भी नॉर्मल सा सवाल आ जाता है डेसिबल पे। तो ये अपन पॉइंट जब हटाते हैं ना तो इस पॉइंट के बाद कितने अंक हैं 1 और 2, तो यहाँ पे बटे में आपको 2 0 लगानी है, किसकी, इस पॉइंट हटाने की, पॉइंट के बाद वाले देखने हैं कितने अंक हैं 1 और 2, उतनी ही 0 आपको बटे में लगानी है। यहाँ भी पॉइंट हटा दें, पॉइंट के बाद में कितने अंक है 1, तो आपको बटे में 1 0 लगाना है, ठीक है। अब नॉर्मली ऊपर वाले का इंटू ऊपर वाले में करना है और नीचे वाले का इंटू नीचे वाले में, तो यहाँ 5 एकम दोस्तों 5 हो गया, बटे में कितना है 100 × 10 में करेंगे तो कितना हो गया 1000। जैसे ही हमने डेसिबल हटाया था वैसे ही उसी प्रकार से हम डेसिबल वापस लगा देंगे। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे बटे में 1 2 3 0 है, तो हम ऊपर से इधर दहाई साइड से मतलब इकाई दहाई सैकड़ा हजार, तो इधर क्या रहता है दोस्तों इकाई फिर दहाई फिर सैकड़ा फिर हजार फिर 10000, ऐसे रहता है, ऐसे संख्या लिखते हैं हम। तो यहाँ पे आपके पास में लिखा है इकाई का अंक 5, पर आपको 0 कितनी लगानी है मतलब दशमलव कब लगानी है 3 अंक के बाद, क्योंकि आपके पास में कितने 0 गिवन है बटे में 3,
तो ये एक अंक तो है, बाकी नहीं है। मतलब किसी भी संख्या के आगे यदि आप जीरो लगाते हैं दोस्तों, तो कोई मान में फ़र्क पड़ता है क्या? नहीं पड़ता है। तो वही चीज़ हम यहाँ सीख रहे हैं कि यदि आप किसी भी संख्या को यदि आगे जीरो 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 लगाते हैं तो कोई फ़र्क पड़ने वाला है नहीं, पर हमें यहाँ पे डेसिबल लगाना है, इसलिए हमने क्या लगा लिया? जीरो। कितने अंक के बाद लगाना है? एक दो तीन। तो इधर इकाई से गिन लो, एक दो और तीन, और यहाँ पे लगा दो आप जीरो। तो इस सवाल का आंसर आपका सिंपली क्या हो जाएगा? 0.005 आंसर हो जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये हो गए तीन सवाल, और उसी के साथ में हमने थोड़ा सा डेसिबल हटाने का और डेसिबल लगाने का भी प्रयास किया है, सीखने का सिखाने की कोशिश की है। चलिए अगला सवाल जो कंपटीशन एग्जाम्स में देखने को मिलता है, देखिए थोड़ा सा इस टाइप से भी फ्रैक्शन में भी सवाल आ जाते हैं, क्योंकि सरलीकरण का है तो इसमें फ्रैक्शन रूट करनी वगैरह एलजेब्रा से भी रिलेटेड क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा सा मिश्र भिन्न वाला अपन सवाल हल करने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, ये मिश्र भिन्न का थोड़ा सा सवाल है, तो इसमें क्या करते हैं कि ये मिश्र भिन्न का है, इसको सबसे पहले सरल भिन्न में कन्वर्ट करते हैं। तो दोस्तों सरल भिन्न में आखिरकार कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो यहाँ पे 4 3 12, मतलब ये जो दोनों संख्या रहती है इनका इंटू करते हैं और ऊपर वाली को प्लस कर देते हैं। तो इन दोनों को अपन ने इंटू किया तो कितना आया? 4 3 12, और एक कितना हो गया दोस्तों? 13/3 इंटू यहाँ पे 5 2 10, इन दोनों का इंटू करेंगे और ऊपर वाली, इन दोनों का जो भी आएगा उसमें ऊपर वाली एड कर देंगे। तो 5 2 10, 10 और 4 दोस्तों 14, बटा में जो है वो ही रहेगा। फिर भागित 2 3 6 6 और 1 7/3, इतना हो गया दोस्तों। क्योंकि इसी का मान चाहिए तो ये बार बार लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको सिंपली इसको सॉल्व करना है, क्योंकि चैप्टर का नाम ही सरलीकरण है। तो जो लास्ट में आपका एक अंक बचेंगे या भिन्न बचेगी, वही आपका क्या रहेगा दोस्तों? आंसर रहेगा। यहाँ पे वापस से देखो, गुणा और भागे, मतलब कि गुणा और भाग से में पहले कौन सा सोल्व होता है दोस्तों? डिवाइड पहले सोल्व होगा और मल्टीप्लाई बाद में। तो यहाँ देखते हैं अपन, इसको मैंने क्या बताया है अभी तक, मैं बताते आ रहा था वहाँ पे पूर्णांक नजर आ रहे थे, अब भिन्न आ गई तो भिन्न को भी मैंने बोला क्या करोगे? मल्टीप्लाई का निशान लगाओगे, इसी के साथ में अपने को इसको पलट देना है। अब यहाँ से अपने को ये समझ में आ जाएगा कि भैया कोई सी चीज़ कट रही है क्या? जी हाँ, यहाँ से 3 से 3, मतलब ऊपर ऊपर और नीचे देखना है आपको, ऊपर और नीचे में यदि कोई सा कट रहा है तो आप आसानी से उसको काट सकते हैं, वरना ऊपर वाली का गुणा आपको ऊपर करना है और नीचे वाली का गुणा नीचे करना है, अगर कोई संख्या नहीं कट रही है तो। कट रही है तो ऊपर नीचे देख लो, काट लो आराम से। तो ये 3 से 3 कट गया, 7 2 14 ये कट गया, ऊपर क्या बचा? 13 और 2, मतलब 13 × 2 बचा, और नीचे क्या बचा दोस्तों? 5। तो आपका आंसर कितना जाएगा? 13 × 26/5 आ जाने वाला है। ठीक है दोस्तों, ये हो गया अपना क्या, थोड़ा सा मिश्र भिन्न वाला सवाल, मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में कैसे तोड़ते हैं। ये दोनों जो पास पास में है, जो ये पूर्णांक रहता है और जो हर रहती है, उसका तो करते हैं गुणा, और ऊपर जो शेषफल बचता है उसको कर देते हैं प्लस। तो 4 3 12 और एक कितना हो जाता है दोस्तों? 13/3, बटे वाला ऐसा कैसे रहता है, यहाँ पे 5 2 10, 10 और 4 14, 14/5, और यहाँ पे हो गया 3 2 6 और 1 7/3। और मैंने बताया भाग को कैसे सोल्व करते हैं, पलट देते हैं, पलटने के बाद में ये भाग गुणा में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद आपका जो कट रहा है ऊपर नीचे वो काट देंगे, वरना आप इनटू कर देंगे उसका ऊपर वाले का ऊपर वाले में और नीचे वाले का नीचे वाले में। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया? 26/5। या फिर और क्या लिख सकते हैं इसको, अभी ये भिन्न के रूप में है तो आप इसको क्या कर सकते हैं? 25 शेष बचता है उसको ऊपर लिख देंगे, मतलब जो पूरा पूरा भाग जाता है उसको कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे, और जो शेष बचता है उसको ऊपर लिखेंगे, और बटे का जो है वो बटे में ही रहेगा। तो इसका आंसर ये भी आपको देखने को मिल सकता है, ये नहीं कि आपको 26/5 ही मिलेगा, आपको 5 सही 1/5 भी देखने को मिल सकता है। आइए हम अब, ये हो गया दोस्तों अपना चौथा वाला क्वेश्चन हो गया था, अब हम क्वेश्चन लाएंगे पाँचवा। देखिए अब थोड़ा सा प्लस माइनस वाले पे भी चर्चा कर लेते हैं। ये सारे क्वेश्चंस कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं जो हम आपको यहाँ पे करवा रहे हैं, और इसी टाइप से बस अंक चेंज होते हैं और आपको, सॉरी दोस्तों, और आपको क्वेश्चन देखने को अगले मिल सकते हैं। देखिए अब थोड़ा सा क्या, ये हो गया कौन सा, 4 हो गए दोस्तों अपने। पाँचवा सवाल, 1/2 3/4
ब्रैकेट 1/4 माइनस 5 माइनस 3। यहाँ से आप डेफिनेटली दोस्तों कम से कम 4 से 5 या 6 नंबर पकने वाले हैं आर्मी की जो भी एग्जाम्स, कोई सी भी एग्जाम्स हुई यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली बनता ही है। अब इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो रूल वही रहेगा, प्लस माइनस गुणा भाग का रूल कभी भी चेंज नहीं होता है दोस्तों। इसमें का की के वगैरह आ गया वो भी, ये जो बोर्ड मार्क्स का नियम है इसी के उस पर ऊपर सॉल्व होते हैं। तो आपको नॉर्मली ये चीज़ें तो बिल्कुल एकदम अच्छे से याद होना चाहिए, जो कि हमने कम से कम 3 वीडियो इसको बनाए हैं और अच्छे से सिखाया है। नॉर्मल बेसिक आपको पूरा प्योर आप वहाँ से सीख जाएंगे, उसके बाद यहाँ पे आपको सॉल्यूशन करने में दिक्कत नहीं आएगी। यहाँ देखते हैं दोस्तों सबसे पहले क्या सॉल्व होता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रैकेट का यूज़ किया गया है तो ब्रैकेट सबसे पहले सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो माइनस माइनस दोस्तों जुड़ जाता है और साइन बड़ी संख्या का आएगा, तो बड़ी संख्या यहाँ पे माइनस की ही रहती है, तो क्या आ गया 8 आ गया। और यहाँ पे जो जैसा का जैसा है वैसा का वैसा ही आप इसको लिख देंगे, ताकि गड़बड़ी होने के चांसेस ना रहे, क्योंकि इसका रूल ही ये है। हाँ, यदि आपकी प्रैक्टिस हो जाती है अच्छे से तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फटाफट कर सकते हैं। अभी अपन यहाँ समझ रहे हैं, इसलिए थोड़ा सा टाइम ले लेके अपन उसको सवालों को करने का प्रयास कर रहे हैं। तो यहाँ पे आ गया क्या, अब देखो यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ है, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर एक माइनस है और ब्रैकेट के अंदर एक माइनस है, तो यहाँ पे इनडायरेक्टली 1 छुपा होता है और उसके साथ में क्या लगा रहता है इनटू, तो 1 का इनटू 8 में करते हैं तो ये तो 8 ही आएगा, और माइनस का इनटू माइनस में करते हैं तो ये गुणा भाग के रूल के अनुसार आपको प्लस देगा। माइनस माइनस क्या हो जाता है दोस्तों, प्लस का 8 हो जाने वाला है। और क्या बचा आपके पास में, यहाँ पे 1/4 बचा हुआ है जो कि अपन यहाँ पे भूल रहे हैं, तो ये 1/4 माइनस माइनस प्लस, प्लस का क्या हो गया दोस्तों 8। अब इसको अपन आगे सोल्व करते हैं, तो ये आ गया 1/2, ये 3/4। अब इसको क्या एलसीएम लोगे 4 और सोल्व कर दोगे 8 चौक 32, इसको सोल्व किया दोस्तों क्या आएगा 1/2, और एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे, चलो अभी तो उसे अंदर वाले को सोल्व कर लो, तो ये आ गया 33/4, कितना आ गया प्लस में 33/4। क्योंकि देखो यहाँ भी आप बोलोगे कि ब्रैकेट लगा हुआ वो कैसे खोला, अंदर जो आएगा प्लस का 33 आया और माइनस बाहर का लगा हुआ था, तो माइनस प्लस दोस्तों काय में कन्वर्ट हो जाता है। चलो थोड़ा सा अपन यहाँ पे देखने का प्रयास करते हैं, इसके आगे ये वाली स्टेप है ना दोस्तों, तो ये क्या आ गया 1/2 3/4, और ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो माइनस 33/4। एलसीएम वही दोस्तों 4 ही आने वाला है। अब इस वाले ब्रैकेट की बात करेंगे तो एलसीएम क्या आया 4 3 33, इसको सोल्व किया तो कितना आया 1/2। अब ये मल्टीप्लाई में है तो इनटू लगा दो, यहाँ से सोल्व किया कितना निकल के आया दोस्तों 30 माइनस का 4/2, यहाँ से जो कट रहा है उसको काट दो, इसको काट दिया अपन ने कितना आया 15, तो आपका आंसर कितना आया माइनस का 15/4। देखो यहाँ भी ये प्लस का था और ये माइनस का था, तो पहले जो चिन्ह है चिन्ह का गुणा हमेशा चिन्ह का गुणा चिन्ह में ही होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस सवाल का आंसर कितना निकल के आया दोस्तों माइनस का 15/4, या फिर आप फ्रैक्शन में से क्या लिख सकते हैं 4 * 3 = 12, माइनस का 3 सही 3/4, आपको ये क्वेश्चन में देखने को मिल सकता है आंसर आ रहा है ये उसमें। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा और अपन डेसिबल वाले में एक आध दो और सवाल देख लेते हैं। चलो वेनुकुलम बार से रिलेटेड भी देख लेते हैं, क्योंकि मान लो बाई चांस वेनुकुलम बार से रिलेटेड उनने कोई सा सवाल दे दिया, क्योंकि ये भी एग्ज़ाम में आए हुए, सारे सवाल एग्ज़ाम में आए हुए दोस्तों। छठा सवाल हम देख लेते हैं वेनुकुलम बार से रिलेटेड। यदि कहीं कोई सी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, देखो बोर्ड मास से रिलेटेड है तो बोर्ड मास से रिलेटेड मैंने 3 क्लास पिछली बना चुका हूँ, तो वहाँ जाके आप आसानी से समझ सकते हैं। उसके बाद में आप इनको सोल्व करेंगे तो आपको आसानी से बन जाएंगे। देखो आपको ये ऐसे सवाल बहुत बार देखने को मिले होंगे कि यार भाई ये क्या क्या दे दिया इनने, 3 - 4 / 2 + 8, देखो ये सारी छोटी छोटी संख्याएं, पर ये छोटी छोटी संख्याएं ही दिमाग खराब करके रख देती हैं, प्लस का 1। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे वेनुकुलम बार लगा हुआ है, मतलब कि सबसे पहले जो वी बोर्ड मास पढ़ते हैं इसके पहले वी लगा रहता है,
मतलब इस ब्रैकेट में एक और ब्रैकेट होता है, उसका नाम क्या होता है, वेनकुलम बार। ये भी मैंने पढ़ाया हुआ है, पूरी क्लासेस देखोगे आप तो उसमें सबसे पहली क्लास में यही पढ़ाया था। तो सबसे पहले वेनकुलम बार सोल्व कर लेते हैं, जैसे ब्रैकेट सोल्व करते हैं ना वैसे इसको सोल्व करेंगे, वरना आप ये ना समझ लो कि यार पहले तो भाग आएगा, नहीं भाग नहीं, वेनकुलम बार आएगा। तो आठ और दो कितना हो गया 10 भागित 5, ये ब्रैकेट ऐसा कैसा ही पूरा ऐसा कैसा ही लिखना है, क्योंकि यहाँ पे कोई सी चीज़ अलग से तो सो नहीं हो रही, मेरे को तो नहीं लग रहा कि कोई सी चीज़ अपन अलग से इसको सोल्व कर सकते हैं। जब तक कि भाग वगैरह नहीं हटेगा तब तक अपन पूरी सोल्व क्लियर नहीं कर सकते। अब इसको हटाया है मैंने तो इसमें भाग देंगे, अब भाग कैसे देंगे, 1 भागित, ये तो पूरा सेम टू सेम ही रहने देना। अब यहाँ पे 10 में 5 का भाग देंगे तो कितना आएगा, या तो आप मेरी मेथड से चलोगे तो हमेशा है आपको क्या करना है, इसको पलट देना है, तो 1/5, तो 5 दूने कितना जाएगा दोस्तों 10। मैं एक एक स्टेप इसलिए खुल के करवा रहा हूँ ताकि आप अच्छे से इसको समझ सके। यहाँ पे वापस से मैं सोल्व करता हूँ तो यहाँ पे कितना जाएगा भागित के 2। अब भागित तो आ गया, एक ब्रैकेट मेरा हो गया खल्लास खत्म। अब इसके बाद में मैं अगले पे आता हूँ और अगले सोल्व करता हूँ। मैंने यहाँ पे माइनस, बहुत से बच्चे यहाँ पे माइनस कर देते हैं, इसको माइनस नहीं करना है, इसको ध्यान रखना है। क्यों नहीं करना है, क्योंकि ये पहले भागित सोल्व होता है ना कि माइनस, पहले भागित सोल्व होता है वो हम यहाँ से सीखेंगे। सबसे पहले इधर भाग सोल्व होगा, फिर मल्टीप्लाई, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन, ये तो सबसे लास्ट में होता है माइनस, तो इसको कभी सोल्व नहीं करना है। ये गलतियाँ बहुत से बच्चे करते हैं, इसको कभी सोल्व नहीं करना है। ये भाग इसके साथ में, मतलब ये ब्रैकेट जब तक ख़त्म नहीं हो जाएगा तब तक आपको इस माइनस से नहीं छेड़ना है, ध्यान रखना दोस्तों, ठीक है। अब आगे अपन बात करते हैं वापस से, तो इसको मैं यहीं पे पलट दूं क्या, नहीं चलो आगे लेके पलटते हैं। ये भाग को मैंने वापस पलट दिया और इससे इसको काट दिया, कितना आया दोस्तों आपके पास में, यहाँ से 2 × 4। अब देखो ऊपर वाले का इंटू ऊपर वाले में, नीचे तो कुछ बचा नहीं, 1 ही है, तो ये कितना हो जाएगा 1 / 1 − 2 / 3 − 2। अब इसको अपन सोल्व करते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा दोस्तों, 1 − 2 / 3 में से 2 गया तो 1, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मैं 2 में 1 से भाग देता हूँ तो क्या आता है, हमेशा देखो 1 / 1 − 2 × 1/1, तो ये 2 × 2 ही हो जाएगा, तो मैं ऐसा कर सकता हूँ इसको ऐसा। अब यहाँ पे मैंने देखा क्या, 1 / 2 में से 1 गया तो माइनस का 1 बचने वाला है, कितना बचने वाला है माइनस का 1। अब यहाँ पे देख लो इसको, माइनस का 1 बचा तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का 1 है। देखिए दोस्तों इसको अपन यहाँ पे कर लेते हैं अगले स्टेप, तो ये प्लस का 1 है और ये माइनस का है, तो 1 × −1/1 पलट दिया मैंने मान के चलो, क्योंकि इसके बटे में भी 1 ही रहता है, तो 1 पलट दिया, 1 × 1 में करूँगा तो 1 ही आएगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, मतलब कि माइनस का 1 अपना क्या आया दोस्तों, इस क्वेश्चन का पूरा आंसर कितना आया दोस्तों, माइनस का 1। कितने सवाल हो गए दोस्तों अपने, लगभग 6-7 सवाल हो चुके हैं। अब काकी के वाला थोड़ा सा जो पैटर्न आपको लगभग बार बार दिखाई देता है सवालों में, उससे रिलेटेड थोड़ी सी अपन बात कर लेते हैं। जैसे कि ये वाला ले लेते हैं, जैसे कि आपको मालूम ही है हम काला पीपल मंडी में महाकाली लाइब्रेरी एंड कोचिंग क्लासेस अपनी संस्था है। आप हमसे ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, हम आपकी हेल्प करने के लिए तत्पर हैं। आप आइए, जो भी डाउट्स है मैथ्स वगैरह के, रीजनिंग वगैरह के, हम आसानी से आपको सॉल्व करवा देंगे। 40 − 3/4 / 32 − 3/4 / 34 − 6, इसका मान आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों अब का वाली प्रॉब्लम की हम बात कर लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या क्या सीख लिया दोस्तों, ब्रैकेट से सीख लिए, प्लस माइनस वाले रूल देख लिए, अब ये का वाला और देख लेते हैं, यहाँ से आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाने वाली है। बाकी सरलीकरण के और भी हम प्रैक्टिस लेके आएंगे, कंटिन्यू ही रहेंगे मैथ्स में, रोजाना हमारा एक ना एक वीडियो आप अपलोड होता रहेगा, आप बढ़िया हम लिंक शेयर करते रहेंगे। देखिए यदि नहीं आता है तो ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से भी हमारी पढ़ाई जारी रहती है, यहाँ आके आप डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। देखिए दोस्तों का मतलब क्या होता है, सेंस ऑफ इनटू, तो देखियो यहाँ पे लगा लो इनटू, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ पे वो वाला इनटू तो है नहीं भाई, सब तो कोई दिक्कत है नहीं।
का मतलब क्या लगा लिया मैंने, इंटू 34। अब 34 में से 6 तो घटा लो, 34 में से 6 घट गया तो कितना हो गया 28 हो गया। अब यहाँ देखो मल्टीप्लाई लगा हुआ है तो 4 7 28। इस मल्टीप्लाई से पहले ये नहीं कि तुम इसमें भिड़ जाओ, पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा इस माइनस से पहले, यहाँ भी इस माइनस से पहले ये वाला मल्टीप्लाई सोल्व होता है। तो यहाँ भी कितना आ गया 4 8 32। 40 माइनस 8 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, बटे में तो एक बचा था तो उसका कोई मतलब होगा नहीं। यहाँ पे 37 माइनस यहाँ पे कितना बचा 7 3 21, ये तो एक बार में कट गया था, 7 3 कितना हो गया 21। यहाँ कितना हो गया अब 40 में से 24 गया तो कितना बच गया दोस्तों 16। अब यहाँ पे कितना बचा आपका 37 में से 21 आएगा तो दोस्तों यहाँ पे भी आपका कितना बचने वाला है 16, और 16 से 16 गए तो कितना बच गया दोस्तों आपका आंसर कितना जाएगा 1। तो इस सवाल का आंसर कितना आ गया दोस्तों आप लोगों का 1। तो इस प्रकार से आप विभिन्न टाइप्स के मतलब कि बोर्ड मास से रिलेटेड बहुत सारे सवाल हैं जिनका बोर्ड मास के नियम के अनुसार आप चलोगे तो कभी भी गलत नहीं होगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको आज का सेशन पसंद आया होगा, चीज़ें समझ में आई होगी। बाकी आपको डाउट्स वगैरह है तो ऑफलाइन क्लासेस के माध्यम से आप आके हमसे यहाँ पे समझ भी सकते हैं। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, मिलते हैं अगले सेशन में आगे, धन्यवाद।